हाय, क्या आप कभी सोचा है क्या कुछ लोग के पास बहुत सारे पैसा है और बहुत संतुष्ट है और कुछ लोगों के पास पैसा है मगर संतुष्ट नहीं है? क्यों है ये डिफरेंस? वो सीक्रेट जानना चाहते हैं आप? ये वीडियोस एंड तक वॉच कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत सारे सीक्रेट्स में शेयर करने वाला हूँ। हाय, आज का टॉपिक है द सीक्रेट फॉर्मूला टू मैनिफेस्ट एनीथिंग यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पार्ट 14। अगेन एक सीरीज है, मास्टरिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीरीज है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक वीडियो सीरीज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक वीडियो सीरीज है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा पुराना वीडियोस भी देख लीजिए, सो दैट आपको आपको पूरा आइडिया मिलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आ रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, बगल वाला बेल सिंबल क्लिक करना, सो दैट आपको कॉन्स्टेंट अपडेट्स मिलेगा। एंड मेरा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक्स मैं नीचे दिया हूँ, तो उसको भी आप क्लिक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। एंड और एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग मुझे एक्चुअली फेसबुक में कांटेक्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं एंड मेरा नंबर्स ऑलरेडी 5000 क्रॉस कर लिया, तो मैं किसी को ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि मेरा फेसबुक पेज, ओके, जो मेरा फैन पेज अवेलेबल है उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हूँ, तो वो लिंक क्लिक करके मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। तो आज का टॉपिक है योर पर्पस डिटरमाइंस योर प्रॉस्पेरिटी। तो पर्पस माने उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है, व्हाट्स योर पर्पस। तो एक कहानी से मैं स्टार्ट करता हूं। एक कहानी ऐसा है, एक बंदा एक आईटी कंपनी में काम कर रहा है मगर वो पढ़ा नहीं, स्कूल भी गया नहीं। ये मत सोचो कैसे वो स्कूल नहीं गया बंदा, मतलब पढ़ा नहीं और आईटी कंपनी में काम कर रहा है। एक्चुअली वो टॉयलेट क्लीन कर रहा है, साफ कर रहा है, मतलब साफ करने का काम करता है आईटी कंपनी में। एंड अचानक एक दिन एक सर्कुलर आ रहा है कि मिनिमम 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए तभी आप इस कंपनी में काम कर सकते हैं, तो उसको काम से निकाल देता है। वो काम से निकालने के बाद ये सोचता है कि मतलब मैं क्या करूं, तो उसमें अचानक एक सोच आ रहा है उसके दिमाग में, अरे यार ये आईटी कंपनी तो थोड़ा सिटी से थोड़ा बाहर, मतलब दूर है, और अगल बगल में कोई चाय का दुकान भी नहीं है, क्यों ना हम कुछ चाय लेकर ओके साइकिल में जाते हैं एंड उसको बेचते हैं। तो करके वो चाय बेचने लगा साइकिल पे। धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत लोग मतलब अप्रोच कर रहा है एंड उसका बिजनेस भी बढ़ रहा है, एंड उसके वजह से उसका छोटा सा एक रेस्टोरेंट खोल रहा है, वो उधर समोसा बाकी सब आइटम्स भी बेचने लगता है। एंड अचानक एक सोच आता है, अरे ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो सिटी से बाहर है, मतलब थोड़ा दूर है, एंड उधर कोई चाय का दुकान भी नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, क्यों ना हम उस जगह पे भी हम ये शुरू करेंगे करके हर जगह पे छोटे 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 रेस्टोरेंट शुरू करता है। तो वैसे 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 रेस्टोरेंट से होटल बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है वो। एंड ये कंपनी में, ये आईटी कंपनी में एक फंक्शन हो रहा है, एंड फंक्शन के लिए कोई गेस्ट स्पीकर बुलाना पड़ता है, तो वो ढूंढ रहा है, एंड ये सिटी में तो बहुत बड़ा आदमी बन गया अभी, बहुत बड़ा पैसा वाला, तो इनको बुला रहा है, इनको बुलाकर बोला आप एक गेस्ट स्पीकर हमारे लिए, आपका सक्सेस फॉर्मूला के बारे में एक स्पीच दे दो करके इनको बुला रहा है। तो ये जा रहा है हमारा बंदा, जाकर शुरू कर रहा स्पीच शुरू कर रहा और बोल रहा है कि मैं इसी कंपनी में, इसी आईटी कंपनी में काम कर रहा था, बहुत सारे पहले मैं इसी आईटी कंपनी में काम कर रहा था। सभी आश्चर्य से देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है करके। तो तब वो बोल रहा है, मैं पढ़ा नहीं तो इसलिए मैं तो इधर का टॉयलेट साफ कर रहा था, मतलब ऑफिस का साफ कर रहा था, वही मैं कराम काम था, और अचानक एक सर्कुलर आया था मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होने चाहिए तो मुझे काम से निकाल दिया। तो उस समय मैंने सोचा क्यों ना हम इन लोगों को सर्व करेंगे, इन लोगों को हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग चाय पीने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, तो क्यों ना हम एक छोटा सा चाय का दुकान हम शुरू करेंगे। मैं उधर से शुरू किया था, एंड मेरा मेन मोटो क्या था, मतलब मेरा उद्देश्य क्या था, पब्लिक को हेल्प करना, पब्लिक को सर्व करना, ओके। एंड उस उद्देश्य से मेरा बिजनेस बढ़ने लगा, मैं आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या था, उनका पर्पस हेल्प करना था, उनका पर्पस पैसा कमाने का नहीं था, उनका पर्पस टू सर्व, टू हेल्प। जब आपका पर्पस चेंज होता है ऑटोमेटिकली प्रॉस्पेरिटी आपके पीछे भागेगा, पैसा आपके पीछे भागेगा। वेरी रिसेंटली लॉकडाउन की वजह से ना मेरे दोनों बच्चे तो घर में पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसे मैं क्रॉस कर रहा था, मेरे लड़की का रूम क्रॉस किया था, उस समय उनका टीचर का आवाज मुझे सुनाई दे रहा था। सो वो बोल रही थी, टीचर बोल रही थी ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला जरूर आएगा, और ये फॉर्मूला 1 या 2 मार्क का मिलेगा आपको एग्जाम पे, तो ये जरूर याद करना। मैं मन ही मन में हंसने लगा और सोचने लगा कि ये टीचर का इंटेंशन क्या है, ये मगअप करो, ये मतलब ये फॉर्मूला मगअप करो, इससे आपको मार्क मिल जाएगा। सो उनका इंटेंशन क्या है, मार्क।
इससे क्या फायदा है, ये कहां अप्लाई होता है और इससे आपका फायदा क्या होता है, कुछ नहीं। सो उनका इंटेंशन क्या है, जस्ट स्कोर मार्क्स। बहुत सारे लोगों का इंटेंशन वही होता है, पर्पस वही होता है कि मार्क्स स्कोर करना, या कुछ लोगों को बोलते हैं मुझे पैसा कमाना, वो गलत है। अगर आप उसके पीछे दौड़ेंगे तो, उसके पीछे भागेंगे तो मिल तो जाएगा, मतलब मार तो मिल जाएगा या पैसा तो मिल जाएगा, मगर क्या है ना, वो जो संतुष्ट है, जो हैप्पीनेस है, जो पीस है, वो नहीं मिलेगा। बिकॉज योर पर्पस इज नॉट वेरी क्लियर, योर पर्पस इज रॉन्ग। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये वो टीचर का प्रॉब्लम नहीं है, ये सोसाइटी ने हमको ऐसे मोल्ड किया है। तो बहुत सारे लोग किसके लिए कर रहे हैं, पर्पस क्या है पता नहीं। जैसे मैं बोलता हूं ना, मेरा पुराना जो कंपनी में हम एक्चुअली एजुकेशनल प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे थे, सिंगापुर कंपनी में एजुकेशनल प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, वर्ल्ड बेस्ट गुरुज का सेमिनार हम प्रमोट कर रहे थे। तो उसमें मेरा पर्पस क्या था ना, या ये प्रोडक्ट की वजह से मेरा लाइफ चेंज हो गया, ये प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है, एंड ये कोई स्कूल में सिखाता नहीं, कोई कॉलेज में सिखाता नहीं, क्योंकि किसी किसी का लाइफ पर्पस, किसी का लाइफ सक्सेस फॉर्मूला सिखा रहा है वो, तो वो मुझे चेंज किया, वो मुझे ट्रांसफॉर्म किया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके बारे में पब्लिक का अवेयरनेस दूंगा, एंड उसके वजह से पब्लिक का लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा करके मैं बाकी लोगों को प्रमोट किया, मतलब सभी को बोलने लगा, एंड उसी के वजह से मेरा कंपनी को मोर देन 1000% में ग्रोथ लेकर गया। सो मेरा पर्पस क्या था, पैसा कमाना मेरा पर्पस नहीं था, मेरा पर्पस टू एजुकेट पीपल, टू रीच आउट टू द पीपल थ्रू दिस प्रोडक्ट, वही मेरा पर्पस था। वैसे आजकल बहुत सारे MLM कंपनीज में ट्रेन करता हूँ, इनफैक्ट बहुत सारे MLM जो करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जो करते हैं, वो लोग मुझे अप्रोच करके मेरा ट्रेनिंग सीखते हैं। ट्रेनिंग के टाइम में ये पूछता हूं उनसे, मतलब आपका पर्पस क्या, व्हाट इज द पर्पस, क्यों ये कंपनी ज्वाइन किया, सभी बोलता कि सर मुझे तो पैसा कमाना है। सो उनका इंटेंशन क्या है, पैसा कमाना है, रॉन्ग, गलत है। ये नहीं बोल रहा कि पैसा नहीं कमा सकते, मगर क्या है ना, यू विल बिकम टायर्ड, अब टायर्ड हो जाएगा। तो पर्पस क्या होता है, इस प्रोडक्ट के वजह से, इस कंपनी के वजह से, और ये प्रोडक्ट या सर्विस के वजह से पब्लिक को कैसे बेनिफिट होगा, इन व्हाट वे दिस विल हेल्प पीपल, इन व्हाट वे दिस विल हेल्प पीपल्स, ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ, वो अगर आपको क्लियर होता तो ऑटोमेटिकली आप पब्लिक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पैसा आपके पीछे भागेगा, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो फाइंड आउट योर पर्पस, आपका पर्पस क्या है वो ढूंढना पड़ेगा आपको, क्यों मैं कर रहा हूं ये काम, क्यों कर रहा हूं, कुछ भी है, व्हाट एवर यू आर डूइंग, फाइंड आउट योर पर्पस। और एक चीज मैं बोलता हूं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज का, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं सेल्स के लिए, सेल्स सीखने के लिए ऑन इंश्योरेंस कंपनीज, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज। तो इंश्योरेंस कंपनीज में भी उनका पर्पस क्या है, कमीशन कैसे कमाना है, हाउ टू मेक मोर कमीशंस। मगर क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों का अवेयरनेस नहीं है इंश्योरेंस के बारे में, अवेयरनेस नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं इंश्योरेंस में हाई रिटर्न्स है कंपेयर टू बैंक, हाई रिटर्न्स है इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस से आपका पेंशन प्लान निकाल सकते हैं आप, ओके, रिटायरमेंट प्लान और पेंशन प्लान, ओके। अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो इंश्योरेंस कैन हेल्प यू। आपका लड़का के लड़की के शादी है उसके लिए भी इंश्योरेंस हेल्प कर सकता है आपको। एजुकेशन के लिए चाहिए, देयर आल्सो इंश्योरेंस कैन हेल्प यू। सो इट कवर्स एवरीथिंग। अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डेथ हो गया, एंड दैट टाइम आल्सो एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम आल्सो इंश्योरेंस कैन हेल्प यू आउट। सो अगर आपका इंटेंशन, इसको मैं एजुकेट करूंगा, पब्लिक को एजुकेट करूंगा, एंड थ्रू दिस पब्लिक बेनिफिट होगा करके आप बताएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका कमीशन भी मिलेगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी आल्सो, बिकॉज थ्रू यू समबडीज लाइफ इज बीन ट्रांसफॉर्म्ड। सो आपका पर्पस क्या है, सो डिफाइन योर पर्पस, प्रॉस्पेरिटी आपके पीछे भागेगा। मैं बार बार बोलता हूं, जो मेरा प्रोग्राम है, मेरा पर्पस इज नॉट टू जस्ट मेक मनी, ओके। ये वीडियोस मैं जो क्रिएट करता हूं, इट इज टू एजुकेट पीपल, क्योंकि मैं माइंड पावर एक डिफरेंट एंगल से देखने लगा। आई स्टार्टेड सीइंग माइंड पावर डिफरेंट एंगल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो बात करता है, मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ा, मगर जब मुझे एक सीक्रेट मिला, समथिंग वेरी डिफरेंट, देन मैं सोचा कि क्यों ना मैं पब्लिक को शेयर कर सकता हूं, बिकॉज माय फर्स्ट इंटेंशन इज कैन आई एजुकेट द पीपल। ये वीडियोस फ्री है, अगर मेरा पर्पस ओनली पैसा बनाना है तो आई विल नॉट शेयर दिस वीडियोस। मैं पूरा की पूरा एक क्लासरूम में एक ट्रेनिंग कोचिंग आई मीन एक कोचिंग प्रोग्राम करके एक पब्लिक प्रेजेंटेशन दे सकता था। आई कैन कॉल सम पीपल, ओके 500 पीपल और 1000 पीपल, उसके एक ग्रुप प्रोग्राम करके आई कैन टीच देम, उसमें मुझे पैसा भी मिल सकता है, बहुत सारे पैसा मिल सकता है। मगर मेरा पर्पस क्या है, इट हैज टू रीच आउट टू द पीपल। यस मेरा प्रोग्राम्स, मेरा कोचिंग प्रोग्राम है, सेशंस है, दैट इज चार्जेबल, दैट इज कॉस्टली ऑल्सो, ठीक है, बट मेरा जो वीडियोस है वो फ्री है, मेरा टॉक्स जो फ्री है। इनफैक्ट कुछ लोग मुझे कॉन्टैक्ट भी करते हैं, कुछ कुछ कंफ्यूजन में है, आई एम कंफ्यूज हियर, सो कैन यू हेल्प मी, डेफिनेटली आई गाइड देम,
उसके लिए मैं चार्ज नहीं करता हूँ, ओनली फॉर माई सेशंस एंड माई कोचिंग आई चार्ज। और कुछ लोग ना ऐसे मुझे फोन करता है, रात को फोन करता है, मुझे सुसाइडल थॉट्स आता है एंड आई एम प्लानिंग टू कमिट सुसाइड, ऐसे करके रात में, आई मीन मिडनाइट पे, 2 बजे 3 बजे, सुबह 3 बजे 2 बजे। अगर मेरा इंटेंशन, मेरा पर्पस सिर्फ पैसा है तो आई विल नॉट कीप माई फोन ऑन, मैं फोन को स्विच ऑफ करता हूँ। तो गॉड्स ग्रेस 30-40 पीपल, मोर देन 30-40 पीपल को मैं सेव किया हूँ। एंड उनको ये नहीं बोला कि मुझे पैसा दे दो तभी मैं आपको आपसे बात करूंगा, नहीं, मेरा इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, टू सेव अ लाइफ, दैट्स अ पर्पस। ओके, एंड कोचिंग प्रोग्राम और सेशंस अलग है, तो मैं दोनों को कंफ्यूज नहीं करता हूँ। ओके, सो बी क्लियर, आप जब क्लियर होता है ना, यू नीड क्लियर अबाउट योर पर्पस, बार बार बोलता हूं ना, आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पैसा आपके पीछे भागेगा। ओके, यस, समटाइम्स कुछ कंफ्यूजन आता है, पब्लिक पूछता है मुझे मेरा पर्पस पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज माय पर्पस, बिकॉज़ ये सोसाइटी हमने ऐसे मोल्ड करके रखा है। डेफिनेटली इफ यू आर स्टक समवेयर, अगर आप कंफ्यूजन पे हैं, प्लीज डू कॉल मी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ऐसे मैं बार बार बोलता हूँ, ये प्रोग्राम कंप्लीटली ऑनलाइन है, आप दुनिया भी किसी भी कोने में रहिए, यू कैन रीच मी आउट एंड माय नंबर्स आर फ्लैशिंग हियर, जहां तक मैं हेल्प कर सकता हूँ आई विल बी देयर टू रेडी टू हेल्प यू आउट। अगेन, ये वीडियोस बहुत लोगों को शेयर कर लीजिए, ऐसे कीप सेइंग द मोर यू शेयर द मोर यू गेन। अगेन, विल्फ्रेड स्टैनली साइनिंग ऑफ फ्रॉम रैपिड माइंड पावर, बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।